हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज मैं आपसे बात करूंगी अबाउट विच लैपटॉप यू शुड बाय एज अ स्टूडेंट. सो एज आई वुड लाइक टू टेल यू, लाइक जब मैं स्टूडेंट थी आई हैड अ डेस्कटॉप, ओके, बट आई हैड माय इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. सो वहाँ पर मैंने लैपटॉप्स ही यूज़ किए हैं स्टूडेंट्स के लिए. यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू गेट देयर ओन लैपटॉप्स फॉर प्रैक्टिसिंग, बट मैंने भी लैपटॉप्स रखे हुए थे ताकि जो स्टूडेंट्स लैपटॉप नहीं लेके आते हैं वो उन लैपटॉप्स पे प्रैक्टिस कर सकें. सो ऐसी कौन सी ब्रांड है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों लगती है, एंड आपको वो क्यों यूज़ करनी चाहिए? आई हैव यूज लैपटॉप्स फ्रॉम डेल, आई हैव यूज लैपटॉप्स फ्रॉम एसर, आई हैव यूज लिनोवो एंड आई हैव यूज HP. सो ये मेजर ब्रांड्स हैं जिनके लैपटॉप्स मैंने यूज़ किए हुए हैं इन आर फैमिली. मतलब हो सकता है कि वो मेरे पास ना हो, मेरे भाई के पास हो, या मेरे कज़न के पास हो, या मेरे पापा के पास हो, एनीथिंग लाइक दैट. सो वी हैव यूज्ड दोज लैपटॉप्स इन हाउस एंड डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू टेल यू कि कौन सा लैपटॉप मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है एंड जो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका साथ निभा सकता है. So we'll be discussing that, and before I start the video I should mention that it's not a sponsored video. Kisi bhi brand ne mujhe koi sponsorship nahi di hai. This is just my personal opinion. And aap log since abhi naye college mein ja rahe ho, kafi logon ne BCA mein admission liya hai aur aap unse poochte ho ki ma'am kaun sa laptop lena chahiye. So it's just for that purpose I'm just giving you an unbiased advice. So ऐसे कोई biasness नहीं है किसी भी company के लिए, because nobody has paid me anything to say their name or it's not sponsored anyhow, right? So अभी क्या है, मेरे पास around 7-8 laptops थे and I had जिसमें से दो मैं यहाँ पे भी लेके आई हूँ ऑस्ट्रेलिया अपने साथ, बाकी वहीं पे पड़े हैं अभी. बहुत चीज़ें मैटर करती हैं जब आप एक लैपटॉप चूज करते हो, ठीक है? जो चीज़ें मैटर करती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली है परफॉर्मेंस, ठीक है? उसकी स्पीड कैसी है, आप जब काम करते हो हैंग तो नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आती, दैट इज़ वन मेजर थिंग. सेकेंड थिंग इज़ बैटरी लाइफ. सो बैटरी लाइफ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फुली चार्ज किया हुआ है और आप कहीं बाहर लेके जा रहे हो लैपटॉप को फॉर सम पर्पज और आप चार्जर साथ नहीं लेके गए हो, तो हाउ गुड इज़ द बैटरी लाइफ ऑफ योर लैपटॉप, दैट मैटर्स. देन मैटर करता है उसका लाइफ टाइम. कुछ लैपटॉप्स 3-4 साल तक अच्छे चलते हैं और उसके बाद नहीं चलते हैं, सो वो प्रॉब्लम आ जाती है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. सो लाइफ टाइम ऑफ अ लैपटॉप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स जो आपको सोचना चाहिए बिफोर यू बाय अ लैपटॉप. एंड फोर्थ पॉइंट आई वुड से इज़ सर्विसिंग. येस, दैट्स वारंटी एंड सर्विसिंग, दैट्स वन ऑफ अनदर थिंग. मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिवाइसेस को मेंटेनेंस तो चाहिए होती है, एंड मेंटेनेंस के लिए यू नीड टू हैव अ गुड सर्विस प्रोवाइडर. सो इन चार बेसिस पे, दैट इज परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, देयर सर्विसेस एंड लाइफ टाइम, कितनी देर तक आपके लैपटॉप्स आपका साथ निभाते हैं, उसके बेसिस पे इफ आई टेल यू जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है आउट ऑफ ऑल इज HP. सो आई हैव गॉट नंबर ऑफ HP लैपटॉप्स. एसर वॉज ऑल्सो गुड, डेल भी अच्छा है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे पर्सनली HP पसंद है. HP के पीछे जो रीज़न है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि दे प्रोवाइड ऑन साइट वारंटी, ठीक है? लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन और इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली और एनीवेयर, एनी क्राउडेड एरिया जहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह जाना इज़ अ बिग हेडेक, कि अगर मेरे लैपटॉप को कुछ हो गया है और मुझे उसे नेहरू प्लेस लेकर जाना है या मुझे उसे CP लेकर जाना है, सो मुझे एक घंटा जाने में लगेगा, एक घंटा वापस आने में लगेगा, और बाकी वहाँ ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो दैट, ठीक है? सो HP की एक बेस्ट चीज़ ये है कि इट प्रोवाइड्स यू ऑन साइट वारंटी. अगर आपके लैपटॉप में कुछ भी होता है वारंटी पीरियड के दौरान, वो आपके घर आते हैं, टेक्नीशियन कम्स टू योर प्लेस, आपके घर आके आपका लैपटॉप आपके सामने ठीक करके जाते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स विच आई फेल्ट. सेकेंड, द लाइफ टाइम इज गुड, ठीक है? थर्ड, कॉस्ट, येस, दे नॉट दैट एक्सपेंसिव, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, दे आर यूजली इन
गुड बजटेड अमाउंट, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता अगर आप एक अच्छा खासा एचपी का लैपटॉप लेना चाहते हो. एंड बैटरी लाइफ इज सफिशियंटली गुड. आई शो यू फ्यू ऑफ द एचपी लैपटॉप्स आई हैव राइट नाउ. सो अभी भी आज की डेट में मेरे पास 3 एचपी लैपटॉप हैं. आई शो यू दोस, और बहुत पुराने पुराने हैं. ये आप देख रहे हो, दिस इज एचपी टच स्मार्ट, एचपी पेविलियन. ये टच स्क्रीन है. And this is quite, I would say, 5-year-old at least. हाँ, 5-6 साल पुराना लैपटॉप है. Works perfectly fine. Touch screen है. अभी तक touch screen इसका बिल्कुल सही चलता है. And this is Core i3, Intel Core i3. And 5 साल पुराना है तो generation देख लो कौन सी होगी. So, but it works absolutely fine. इसका music system बहुत अच्छा है. बैटरी लाइफ अभी भी 3-4 घंटे आराम से चल जाता है चार्ज होने के बाद. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट्स ऑल टुगेदर अ गुड कंप्यूटर. सो टच स्क्रीन में कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. अब ऑन साइड वारंटी की जो मैं बात कर रही हूँ, इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, एक बार दो बार मुझे बुलाना पड़ा. इनफैक्ट सिंस यू नो आरव, अब तो फिर भी बड़ा हो गया, लेकिन जब लिया था लैपटॉप तो ही वॉज लाइक क्वाइट यंग, ही वॉज जस्ट 3-4 ईयर्स. तो इट हैपन्स लाइक जब आप लैपटॉप्स को हैंडल कर रहे हो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा नहीं भी है, स्टिल कभी हो जाता है कि लैपटॉप आपके हाथ से गिर जाता है, उसके ऊपर पानी गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है. सो समथिंग हैपन्स, और उससे हो सकता है कि आपका कीपैड ठीक से ना चल रहा हो या आपके मॉनिटर में कुछ फ्लिकरिंग हो रही हो, एनीथिंग लाइक दैट. सो इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स, ऑल्दो वाटर डैमेज जो है वो वारंटी में कवर्ड नहीं होता है, बट अगर आपने लैपटॉप को अच्छे से सुखा लिया, दिस इज अ सीक्रेट, अगर आपने लैपटॉप को अच्छे से सुखा लिया है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो आप वारंटी के अंडर उसको कॉल कर सकते हो ये कह के कि आपका कीपैड नहीं चल रहा है. एंड वंस दे ओपन, अगर मॉइस्चर नहीं है तो आपका कीपैड चेंज करके जाते हैं. मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, आरव ने पानी गिरा दिया था. सो एज सब लोग बोलते हैं कि इसको नो चावल के डब्बे में डाल दो, सो मैंने ऐसे ही किया, मैंने वो राइस के डब्बे में डाल दिया. एंड एक दिन पड़े रहने दिया, बट अगेन ऑन नहीं हुआ वो. नहीं, ऑन हो गया था पर कीपैड नहीं चल रहा था. यस, सो पानी कीपैड पे गिरा था. सो ऑन हो गया था, स्क्रीन आ रही थी एंड टच वॉज वर्किंग, बट द कीपैड वॉज नॉट वर्किंग. एंड द ऑब्वियस रीजन वॉज क्योंकि उसके ऊपर पानी गिरा था. बट सिंस वो पूरा सूख चुका था, आई वेटेड फॉर 2-3 डेज एंड देन आई कॉल्ड द कस्टमर केयर. उन्होंने अपना टेक्नीशियन भेजा, टेक्नीशियन ने उसको खोला, उसमें मॉइस्चर नहीं था. सो ही जस्ट चेंज द कीपैड इन फ्रंट ऑफ मी एट माय प्लेस इटसेल्फ, और वो चेंज करके चले गए विदाउट एनी कॉस्ट. आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग एट ऑल, और मेरा लैपटॉप वापस नए जैसा हो गया. देन मेरे पास एक और है अभी यहाँ पर, आई विल शो यू. देखो डिवाइसेस के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है, मेरे डिवाइसेस के साथ तो खास तौर से, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ग्रह नहीं मैच करते, तो मेरी हर चीज खराब हो ही जाती है फॉर वन और द अदर रीजन. सो दिस इज द अदर लैपटॉप आई हैव. ये भी काफी पुराना है, 5-5 साल हो गए होंगे इसको भी. सो दिस इज अगेन i3, बट दिस इज द हेवी वर्जन ऑफ HP. वो दूसरा वाला जो था दैट वाज अ वेरी लाइट वेट लैपटॉप, दिस इज काइंड ऑफ हेवी वन, बट इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ. लेकिन एक बार ये हुआ था कि जब ये 7-8 मंथ्स पुराना था तो इसकी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई थी. आई स्विच्ड इट ऑन एंड देयर वाज नथिंग ऑन द स्क्रीन. रीजन मुझे भी नहीं पता कि क्यों हुआ, बट देयर वाज अ टोटल ब्लैक स्क्रीन एंड देयर वाज नथिंग ऑन द स्क्रीन एट ऑल. सो आई ट्राइड स्विचिंग इट ऑन अगेन एंड अगेन, बट कुछ नहीं हुआ. फाइनली आई कॉल द टेक्नीशियंस. सो या दे केम एंड ही रिप्लेस द स्क्रीन. सो मैंने ये भी देखा कि किस तरह से वो डिस्प्ले निकालते हैं और दूसरा डिस्प्ले लगाते हैं, और आपका लैपटॉप अगेन प्रॉपरली फाइन, इट्स ऑल इन गुड कंडीशन. सो ये दो लैपटॉप्स हैं जो पुराने हैं मेरे पास, ठीक है. ये मैंने क्यों रखे और मैं ये क्यों लाई इंडिया से यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली जब हम यहाँ पर आए थे तो कुछ तो चाहिए था लैपटॉप. और मैं दो क्यों लाई, बाकी क्यों नहीं लाई, दो इसलिए लाई क्योंकि अगर मुझे एक लैपटॉप पे काम करना है तो वो जो मेरा बच्चा है उसको भी एक लैपटॉप चाहिए. बिकॉज इफ मामा इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप तो ही ऑल्सो हैज टू वर्क ऑन अ लैपटॉप. तो या तो एक टाइम पे वो काम कर सकता है या मैं काम कर सकती हूँ. इसलिए मैं दो लैपटॉप्स अपने चूज करके लाई कि अगर मैं एक पे काम कर रही हूँ दूसरा मैं उसको दे सकती हूँ ताकि वो मुझे काम करने दे. सो दैट वाज द रीजन आई गॉट द 2 लैपटॉप्स राइट. यहाँ आकर मैंने लैपटॉप लिया दूसरा, वो भी HP का ही लिया. टच वुड अभी तक मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी कोई सर्विस कराने के लिए या इसमें कुछ ठीक कराने के लिए. दिस इज HP लाइट बुक एंड
This is 360 G21030 and it is Intel Core i5, 16 GB RAM है, 512 hard disk है and Windows 10 है. इंडिया में इसका प्राइस 1.3 लाख है और यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है अगर आप डॉलर्स में देखोगे तो. But I bought it over here. It's this one, HP Lightbook. It is like this. So it's a very lightweight laptop. So easy to use, comfortable one, and yeah, so it works all good. मेरे काम के लिए बहुत अच्छा है. It's perfectly fine right now. It's charging. जो बाकी के दोनों लैपटॉप्स थे वो comparatively काफी सस्ते हैं इससे. ठीक है. So यहाँ पे obviously फर्क क्या पड़ जाता है कि जब आप यहाँ पे earn करते हो, तो यहाँ के accordingly 1.3 lakh laptop is cheaper. In comparison to India, जितनी salary आपकी India में है उसके accordingly यहाँ पे no doubt ज़्यादा होती है, तो you can think of buying such expensive things. So that's okay. But जो मेरे पहले वाले दोनों laptops हैं वो मैंने बहुत महंगे नहीं खरीदे थे. आज भी मैं अभी check कर रही थी Amazon पे before uploading, before shooting this video, ताकि मैं आपको एक idea दे सकूँ कि वो आपको कितने तक के मिल सकते हैं. So आप easily वो laptops 30-35,000 तक की range में खरीद सकते हो. I will give you the links of some good laptops जो as a student आपके लिए helpful होंगे. So those links I'll give in the description. So those are Amazon links. तो आप चाहो तो उस link के through खरीद सकते हो. आजकल अच्छे offers भी चल रहे हैं Amazon पे. और otherwise अगर आपको कहीं और से भी लेना है तो at least you can match the configuration. ठीक है. तो मैं कुछ अच्छे laptops जो students के लिए really beneficial हैं उनके links मैं दे दूँगी नीचे description में. So go and check out those links. And yeah, that's it. So in short, my favorite brand is HP, and I've told you the reasons behind that. So it is in the budget, first thing. So HP laptops are in the budget. Second, they have good competitive battery life. I won't say excellent or something, but yeah, good competitive battery life. They have a good lifespan. मेरे लैपटॉप्स को यूज़ करते करते 5-6-7 साल हो चुके हैं. एंड दैट टू जब उन लैपटॉप्स को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं. इट्स नॉट कि सिर्फ एक बंदा चला रहा है. अब इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कभी किसी के हाथ में है, कभी किसी के हाथ में है. मल्टीपल पीपल आर यूजिंग इट. स्टिल उनका लाइफ स्पैन इतना है. एंड येस, आई टोल्ड यू ऑन साइट वारंटी. दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट HP. सो दीज आर द पॉइंट्स एंड आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी टू चूज कि कौन सा लैपटॉप एज अ स्टूडेंट आपको खरीदना चाहिए. इफ येस, डू क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल टू लर्न एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग. सो आपको कुछ भी सीखना है प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन, एवरीथिंग, यू विल गेट इट हियर. एंड एनी डाउट्स यू हैव रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट्स. So that's it for this video. See you soon in the next one. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.